बात आती है तनख्वाह लेने की तो धमकी मिलती है जान से मारने की। बात आती है खाना का पैसा लेने की ऑपरेटर की तरफ से तो धमकी यही मिलता है, बात यही सुनने को मिलती है, करना है करो तो छोड़ के चला जाओ, ऑपरेटर बहुत मिलेंगे। आप सभी को बोल देना चाहता हूँ मैं कि अपने अपने एरिया में अध्यक्ष सचिव का पोस्ट लीजिए, लेकिन नहीं बताइएगा, आवाज नहीं उठाइएगा कि ऑपरेटर एक हो जाइए, अभी बहुत मुश्किल का दौर चल रहा है। एक ओकलैंड ऑपरेटर बढ़िया तो है ना, हाल चाल सबका बढ़िया है ना, और सब मजे में, बढ़िया में रहिए, बढ़िया में रहना चाहिए सबको, और खुशी से रहिए। सैलरी मिल रहा है सबको, पेमेंट तनख्वाह महीना महीना मिल रहा है, और क्या बोलते हैं, काम तो फिक्स है, पुराना ऑपरेटर है, आप लोग सीनियर आदमी है, थोड़ी समझाइएगा किसी को, या किसी का विचार तो नहीं रखिएगा अपने आप में कि हम सब तो गुजर गए, लेकिन आप सब जो सिखाए हैं गुरु और चेला, वो सबको जो काम नहीं मिल रहा है और वो सब जो तार तार हो रहा है शोषण से, तो उसका बारे में तो आवाज तो नहीं उठाइएगा ना, मत उठाइए, कोई बात नहीं है, वो आपका अपना सगा भाई थोड़ी है। हाँ, आप भी किसी का चेला होंगे जो कि ग्रीस मारे होंगे, तब जाके आप मशीन चलाने सीखे होंगे, तब जाके मशीन चलाए और मशीन भी खरीदे होंगे आप, और पार्टनरशिप भी किए होंगे और अच्छा पैसा कमा रहे होंगे, और जो आप व्यक्ति नहीं किया होगा वो यही मशीन चला करके जीवन यापन कर रहा होगा, लेकिन नहीं बताइएगा, आवाज नहीं उठाइएगा कि ऑपरेटर एक हो जाइए, अभी बहुत मुश्किल का दौर चल रहा है, एक हो जाइए। ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ, शायद आप सबको मालूम नहीं होगा कि दो दिन पहले हमारे अध्यक्ष बबलू जी ने यूपी अलीगढ़ महुआ खेड़ा तलसपुर गांव का ये बात है, जो कि ऑपरेटर जेसीबी ऑपरेटर को पीट पीट करके हत्या कर दिया गया, उसके बारे में जिक्र भी किए थे हम सब, और वहां से खबर भी आई थी, पेपर हम सबको मिला अमर उजाला .com से, बहुत मुश्किल से मिला, इसका आवाज कोई बंदा नहीं उठाया, पूरा यूपी प्रदेश का कोई ऑपरेटर यूनियन ऐसा कोई है नहीं जो कि उसका आवाज उठा दे, कैसे होगा दोस्त, कैसे करेंगे, सोचने वाली बात है। डेढ़ साल से काम करता है बंदा, डेढ़ साल से काम करता है बंदा, और काम करके 1.5 लाख रुपए पैसा बकाया हो जाता है, जब मांगने की बारी आती है ना तो धमकियां मिलती थी, धमकियां मिलती थी और मारने पीटने का बात करता था, आखिर ना आखिर एक ना एक दिन उसको मार दिया गया, ऐसा मारा, थोड़ा मोड़ा भी मारता थापा थोपी तो बात की बात था, उसको ऐसा मार मारा, ऐसा मार मारा को पीछे का जो रीढ़ का हड्डी होता है ना दोस्त, वो टूट जाता है, और टूटने के बाद में लोकल का अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है, वहां से ठीक नहीं होता है वहां से, तो उसको दिल्ली रेफर कर दिया जाता है, और दिल्ली रेफर करके रास्ता में वो दम तोड़ देता है। जिम्मेदार कौन है साथी, बताइए, ऑपरेटर साथी जिम्मेदार है या मालिक है? और एक चीज मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि पूरा अगर बिजनेस में अगर देखा जाए ना दोस्तों, तो कंस्ट्रक्शन लाइन अर्थ मूवर्स का काम में ना बहुत ही ज्यादा पैसा है, कंस्ट्रक्शन लाइन में, और इतना ज्यादा पैसा ना कोई बिजनेस में नहीं है, ये बिजनेस कभी बंद होने वाला रहता नहीं है, बंद होता है भले 4 महीना बारिश के महीना में, लेकिन बाकी जो चलता है 8 महीना ना दोस्त वसूल कर देता है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी ओनर को कोई तकलीफ नहीं है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ ओनर लोगों को कि क्यों इतना ना आप लोग टैक्स देते हो सरकार को सही ढंग से, ना आप सब ऑपरेटर को तनख्वाह देते हो सही ढंग से, ना आप सब मशीन मेंटेन करके रखते हो सही ढंग से। अगर ऑपरेटर बढ़िया मिल जाता है मेंटेन करने के लिए, तो आप लोग सोचने को ऑपरेटर खा जा रहा है बोलकर ऑपरेटर को पेमेंट रोक देते हो, ना आप सब मीटिंग मशीन अगर मेंटेन करके रखते
समझदार मालिक कुछ ही परसेंट 10% मिलेगा जो कि मशीन मेंटेन करके रखता है और ऑपरेटर को अच्छा सैलरी देता है। बाकी सब मालिक आप सब इतना क्यों मतलब परेशानी कर, तो मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। क्या फायदा है भाई, लेके चला जाइएगा क्या? दौलत जो आप लोग कमाते हो लेके चला जाइएगा, आप ही लोग बताइए क्या कीजिएगा इतना पैसा। बहुत सा ऐसा मालिक तो सरकार को टैक्स भी नहीं देता है, किसी का मतलब टैक्स का कोई ये रहता नहीं है। आप लोग सरकार गवर्नमेंट को टैक्स देते हो और ना ही ऑपरेटर को तनख्वाह देते हो। बात आती है तनख्वाह लेने की तो धमकी मिलती है जान से मारने की। बात आती है खाना का पैसा लेने की ऑपरेटर के तरफ से तो धमकी यही मिलता है, बात यही सुनने को मिलती है, करना है करो तो छोड़ के चला जाओ, ऑपरेटर बहुत मिलेंगे। इसलिए बोलते हैं ना मालिक लोग ऑपरेटर बहुत मिलेंगे कि ऑपरेटर का कोई एकता ही नहीं है। अगर वही ऑपरेटर एकता करके रह जाता है ना तो ऑपरेटर नहीं मिलेंगे बोल सकता था मालिक। लेकिन अब मालिक लोग क्या बोलता है मालूम है, ऑपरेटर बहुत मिलेंगे। क्यों? एकता ही नहीं है। एक ऑपरेटर अगर आ जाता है यहाँ पर ही काम करने के लिए तो चला जाता है, तो वही मालिक बोलता है कि ऑपरेटर दूसरा में बुला लेंगे। क्यों? अगर उस ऑपरेटर में एकता रहता है दूसरा ऑपरेटर आने के लिए भी नहीं होता। वो लोग को विश्वास है पूरा ऑपरेटर कुछ कर नहीं सकता है। ऑपरेटर कौन लोग बनता है? गरीब गुरबा आदमी सब रहता है वही लोग बनता है ऑपरेटर। और बन करके जिसके पास पढ़ने लिखने का पैसा नहीं रहता है, कुछ करने का पैसा क्षमता नहीं रहता है, तो लास्ट में वो क्या करता है मालूम है? चल जाता है ग्रीस मारने के लिए, पोकलैंड में ग्रीस मारता है। ग्रीस मारने के बाद में एक ऑपरेटर बनता है, ऑपरेटर बनने के बाद में जीवन यापन करता है अनपढ़। बहुत सा ऐसा ऑपरेटर को तो साला एवेयर तक निकालने के लिए मालूम नहीं तरीका, नहीं सिर्फ मशीन चलाना तरीका मालूम रहता है। हमने कई ऑपरेटर देखा है। क्या कीजिएगा? आप सब मारते हैं पीटते हैं, मार पीट करके क्या साबित करना चाहते हैं कि मालिक लोग खराब होते? यही साबित करना चाहते हैं आप सब। क्या कीजिएगा इतना पैसा? क्या लेके चला जाइएगा? लेके तो नहीं चला जाइएगा, सबको वही कब्र गढ़ा में जाना है, वही चिता में जलना है एक न एक दिन। हाँ, सब रह जाएगा दुनिया में। कुछ अच्छा नाम बनाइए आप सब, एक अच्छा सा नाम दीजिए, नाम बनाइए। गरीब ऑपरेटर रहता है घर बार छोड़ कर मशीन का देखभाल करता है। हाँ? महुआ खेड़ा यूपी अलीगढ़, महुआ खेड़ा तलसपुर गांव का यह घटना है। ऑपरेटर को मार करके क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ दोस्तों। मैं इसलिए यह वीडियो बना रहा हूँ, सभी ऑपरेटर को जागरूक करने के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ मैं, कि बहुत पहले से हमने तो जागरूक करने की बात बोली है, लेकिन जब ऐसा घटना सब आता है ना तो ऑपरेटर को दिखाने के लिए, जागरूक करने के लिए, इत्तला करने के लिए हमें बात बोल रहा हूँ, जागरूक करने के लिए कि आप सब होश में आ जाइए और एकता बनाने में साथ दीजिए। कोई एकता अकेले में नहीं होता है दोस्तों। अगर बिखरे हुए रहोगे ना तो कीमत नहीं लगेगी, और एक इकट्ठा बन के रहोगे ना तो ज्यादा कीमत लगेगी आपकी। मैं बोल देना चाहता हूँ बार बार, अपना एक प्लेटफॉर्म है ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन, इस प्लेटफॉर्म में जुड़िए और अच्छा ऑपरेटर जो पढ़ा लिखा इंसान ऑपरेटर है, आप सभी को बोल देना चाहता हूँ मैं कि अपने अपने एरिया में अध्यक्ष सचिव का पोस्ट लीजिए आप सब। आप एक संवाददाता बन करके निकलिए वहां से, ऑपरेटर का खबर लीजिए और उसका समस्या को सुनिए और समस्या को हम तक पहुंचाइए, और हम सब मिलकर के सबका समस्या का समाधान करेंगे कि उसका समस्या क्या है। एक अकेले आदमी में नहीं होगा। और इस प्लेटफॉर्म में आप सब हैं तो आप सब यही विचार रखिए कि इस प्लेटफॉर्म को कुछ अच्छा बनाने को देखिए, ताकि इस प्लेटफॉर्म से सबको लाभ मिले। जैसे कि रोजगार एप्लीकेशन का बात हो गया, रोजगार ऐप का, सबको रोजगार कैसे मिलेगा, कहाँ जाएगा? एक चीज में तो सब होगा नहीं, इसके वास्ते ऑफिस चाहिए हर एक जगह में। तो सबका संज्ञान लीजिए। जितने भी तमाम ऑपरेटर साथी देख रहे हैं हमें, वह व्यक्ति से मैं कृपया निवेदन करता हूँ, आप सब बेकार की भ्रम में ना चले, बेकार की सोच विचार ना डाले, एकता होने में साथ दें। आप लोग
ना सोचे गलत कि हम सब आप सबका पैसा खा जाएंगे, चाहे ये कर देंगे चाहे वो कर देंगे। हम सबका एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट से लिंकेड है, केंद्र सरकार से रजिस्टर्ड है। ये नंबर स्क्रीन में आप सब देख रहे हैं और जितने भी तमाम ऑपरेटर साथी हैं, सबसे मैं यहाँ पे निवेदन करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्लीज साथ दीजिए एकता बनाने में और ऑपरेटर में जो शोषण हो रहा है इसको बचाइए और अपने अपने जिला में से, अपने अपने स्टेट में से सामने आइए और अध्यक्ष सचिव का पद लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप सब समझ गए होंगे और आज मैं इतना ही बोल करके अपना वीडियो में एंड करना चाहता हूँ। तब तक के लिए, कभी मिलेंगे दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।